मैं खानी से प्यार करता हूं, और खानी का इस दुनिया से जाने का मतलब हादी का इस दुनिया से जाना। Do you get it? Mom? Leave. I said leave, Ma. I said leave. साहब थोड़ा एक्टिव करें अब अपने आप को। सही कहती हैं आलिया जी। शाहजी अब किस बात की टेंशन है? जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अब दोबारा से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए सर। क्या करूं, अपने दिल को कैसे समझाऊं? शाह साहब आपकी अभी भी वही इज्जत है, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि आप कितने शर्मिंदा हैं, कितने दुख में हैं। शाह साहब पार्टी वापस एक्टिव करें। लेकिन ये लोग सब लोग आपके साथ हैं। वैसे बुरा ना मानिए शाह साहब, आपकी अच्छाइयां देखकर लोग आपकी तरफ हो गए हैं। हाँ, श्योर। दोस्तों, बहनों, मेरे पार्टी वर्कर्स, पिछले कुछ अरसे से मैं जिस तकलीफ से, जिस दुख से, जिस करब से गुजर रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने यहां आकर जिस तरह मेरी हौसला अफजाई की है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपनी पार्टी में नए सिरे से जान डालूंगा, इसमें एक नई रूह फूंकूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों की तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। रोज सेब बनाना जरूरी तो नहीं है। अब मुझे कौन सा कहीं जाना होता है। तुम बच्चियों के साथ मिल के खानी को हॉस्पिटल से ले आती? आप ही हमेशा कहते थे कि जब तक शेव नहीं बनाए दिन शुरू नहीं होता, तो इसलिए जरूरी है। और वैसे भी बच्चियां ले आएंगी खानी को, बड़ी हो गई हैं आप और मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकती। मैंने बहुत नेक काम किया था कोई, जो आप मुझे मिली। ये तो आपने बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी बात की आज। वैसे अम्मी जी से याद आया, रात को अम्मी जी मुझे ख्वाब में आई थी, खानी के सिरहाने खड़ी थी, उस पे कुछ पढ़कर फूंक रही थी, मैं भी साथ ही खड़ी थी। कहने लगी, परेशान मत हो, मेरी खानी को कुछ नहीं होगा। जाने के बाद कोई ना कोई कनेक्शन तो रह ही जाता है। अम्मी जी ने ये बताया ख्वाब में आकर। अब तुम देखना, कुछ भी नहीं होगा उसे, ये मेरा यकीन है। अल्लाह करे ऐसा ही। अरे थोड़ा सा रह गया, मैं देखना लग गया हूँ।
वालेकुम भाईजान। वालेकुम। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जीती रहो बेटा। खानी कैसी है? खानी अब बेहतर है भाईजान, बस बच्चियाँ आती होंगी, आप आइए ना अंदर आइए। हादी देख यार, अभी नहीं, देख वो ठीक है ना? मुझसे कुछ हो भी नहीं सकता, वो मेरी है, उसको क्या होगा? हादी यार बुरा मत मानना, पर वो तुम्हारी नहीं है दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश कर यार, अभी अभी एक दलदल से निकला है और अब खुद एक अंधे कुएं की तरफ चलता जा रहा है, इसमें गिरेगा ना तो ना तो खुद बाहर आ सकेगा और ना ही कोई तुझे ढूंढ के निकाल सकेगा, समझ यार। मुझे सच सच बताओ, मीरशाह ने कोई और ऑर्डर तो नहीं दिया है? मैं कुछ पूछ रही हूं मिठल। नहीं बड़ी बेगम साहब, कोई ऑर्डर नहीं दिया। मुझसे झूठ मत बोलना मिठल, तुमने छोटे मीर को अपनी गोदों में पाला है, उसकी खातिर मुझसे झूठ मत बोलना। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बड़ी बेगम साहब, ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। और अगर दे दिया तो सबसे पहले आपको और छोटे मीर को बता दूंगा। सलमान, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों कहता है कि खानी के एक्सीडेंट का ताल्लुक किसी बात से जुड़ा है। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। खानी को भला कोई कुछ क्यों कहेगा, ये महज एक इत्तफाक है, खुदा की आजमाइश की घड़ी चल रही है। मैं नहीं मानता, मैं दिल से नहीं सोचता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा दिमाग काम कर रहा है और मेरा दिमाग जो सोच रहा है ना, तो अच्छा नहीं है। क्या मतलब है भाई साहब? मतलब ही तो नहीं समझा पा रहा। सलमान, तुम, सोनिया और बच्चियां अभी हमारे साथ अबाई शहर चलो। भाईजान, ऐसे कैसे मैं सब कुछ छोड़कर जा सकता हूं? अब छोड़ने को रह क्या गया है? देखो जिद छोड़ो, तुम काम नहीं कर सकते, बच्चियां काम कर रही हैं, उन्हें मैं देख लूंगा, इस तरह उन्हें काम नहीं करना चाहिए। भाईजान, अब जमाना बदल गया है। हद होती है जिद की भी, उस वक्त घर छोड़ा जिद के पीछे, अब यही जिद वापिस जाने से रोक रही है। इनके प्यार में भी कड़वाहट है,
इसीलिए मैंने घर छोड़ा था सोनिया। ठीक है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता तुम सबके लिए, बहुत मजबूर हो गया हूं मैं। लेकिन तुम लोग वहां जाके जितने मजबूर हो जाओगे, उससे बचाना चाहता हूं तुम सबको। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? समान आप अपना दिल छोटा नहीं करें, भाई साहब भी तो परेशान है ना, इसलिए इतना कुछ कह गए। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है, हमारी बच्चियों का घर, मान है ये उनका। ये मान तो मैं तोड़ना नहीं चाहता उन लोगों का। अच्छा बस बस खानी खानी उठो, दूध पी लो। मैं खुद उठ सकती हूँ। जानती हूँ मैं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब जल्दी से ये दूध पी लो, मामा ने हल्दी वाला बनाया। बनाया भी तो हल्दी वाला। मैं थोड़े में पी लूंगी, प्लीज। खानी, जब हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो मैंने सामने गाड़ी पे मीर हादी को देखा था। अच्छा, खानी को छुपा रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तुम्हें पता है तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, या फिर अपनी बहन से पहली दफा झूठ बोल रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है, वो वहां क्यों खड़ा हुआ था? पता नहीं सारा, वो बस मेरा पीछा करता है, मुझे रास्तों में रोकता है, डराता है मुझे। खानी, और ये तुम बात किसी को नहीं बता रही हो? कम से कम मामा को तो बताओ। प्लीज मामा को मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है, मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। खानी, अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कहीं ये एक्सीडेंट उसी ने तो नहीं करवाया? नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पता नहीं वो क्या चाहता है, मैं नहीं समझ पा रही हूं। मुझसे अजीब अजीब से सवाल करता है, मैं उससे डरती क्यों नहीं? उस दिन उसके हाथ में गन थी जब उसने मुझे रोका, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये एक्सीडेंट भी उसने नहीं कराया है। खानी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? उसने तुम्हें रोका, उसके हाथ में गन थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम मामा को तो बताओ ये बात। तुम मामा को कुछ नहीं बोलोगी? मैं बहुत बहादुर हो चुकी हूँ, ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मगर खानी, प्लीज सारा, ये बात मामा को नहीं पता चलनी चाहिए, वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी, फिर काम कैसे चलेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। मीर हादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Hey, Mittal.
अठर एक बात बता। बताएगा? तूने कभी प्यार किया है? कभी तो किया होगा यार। मतलब कभी प्यार ही नहीं हुआ। चल चल, तुझे मैं बता दूं। तुझे मैं बताता हूँ। मेरे हाथी ने प्यार किया है। तुझे पता है किससे? हादी ने खानी से प्यार किया है। वो चांद चांद देख रहा है मिठा। वो मेरे हाथी है और वो उसके आसपास चांद नहीं देख रहे हो? वो फानी है। चल मैं तो रोमांटिक बातें कर चलो। मुझे पानी में जाके अपने पांव गीले करने चलो चलो मैं चलो। Thank you.
तबीयत तो ठीक है? फिर ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने? क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा हाल बन गया है। अरे मेरे बच्चे को तो देखें, क्या से क्या हो गया है। मगर आप तो इतने आराम से बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोहब्बत का भूत सवार हो गया आपके लाडले के सर पे। जवानी का तूफान है, थम जाएगा। नहीं शाह साहब, नहीं। मैं अपने हादी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। ये जो तूफान इसके अंदर उठा है ना, ये बगैर अपना मकसद हासिल किए हुए थमने वाला नहीं। तो क्या करूं मैं? आपकी तरह हालत बनाकर यूं बैठ जाऊं, बात को संभालने के दुनिया में जाके ढंढोरा पीटूं मैं? क्या करूं मैं, बताएं आप। ये आप मुझसे किस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं? पार्टी छोड़ दूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं मैं कि आपके लाडले को उस लड़की से प्यार हो गया है जिसके भाई को उसने कत्ल किया है, कत्ल। अरे जानती हूं ये सब मैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं सितारा, वो तो पागल हो ही गया है, आप तो पागलपन मत करें। उसको संभालने की बजाय ये आपने क्या हालत बना रखी है? मां बनकर मत सोचो, एक पॉलिटिशियन की बीवी बनकर सोचो। जज्बात का नहीं, अपने मफाद के सोचने का वक्त है। समझी? खुद को भी संभालें और उसे भी संभालें, इसी में हम सब की बेहतरी है। चेंज करें जाके। आप सलमान की बात का बुरा मत मनाइएगा। बात बुरा मनाने की नहीं है, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था, वो जज्बाती हो रहा है। होना हो हानी को भी कहीं उन्होंने ही तो। नहीं नहीं भाभी जान, और जहां तक रहा सवाल सलमान को समझाने का, तो मैं समझा तो लूँ मगर मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे, और अगर वो मान भी गए तो मैं जानती हूँ कि खानी कभी नहीं मानेंगे। बच्चों की बात पे चलेंगे हम? भाई साहब, भाभी जान बुरा मत बनाइएगा, लेकिन मैंने हमेशा अपनी बच्चियों की बात सुनी है, और अगर बात जायज़ हो तो मानी भी है। सलमान भी बच्चों की बात को हमेशा आगे रखते हैं, और देखा जाए तो इसमें बुरा भी क्या है, कुछ गलत तो नहीं है? कुछ गलत नहीं है सोनिया। सारिम कत्ल हो गया, सलमान बिस्तर पे आ गया, खानी मरते मरते बची है, और तुम कह रही हो कि इसमें गलत क्या है? ठीक है, फिर जो करना है करो। सोनिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, मगर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे आने के बाद इस खानदान में जो कुछ भी हुआ है, और सलमान को तो तुम ही लेकर अलग हुई थी। क्या कहना चाह रही है भाभी जान? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सलमान से मेरी मोहब्बत की वजह से हो रहा है? क्या तुम नहीं जानती? कहते तो यही है, यही कहते सुना है कि मर्द की शादी के बाद जो कुछ भी होता है उसमें उसकी बीवी की किस्मत होती है। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं
मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। कपड़े क्यों निकाले हैं सब? देख रही हूं कि कल सुबह क्या पहनूं। सुबह कहीं जाना है क्या? काम पे जाना है ना मामा। खानी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है और बस घर से बाहर नहीं निकलना। मेरी प्यारी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप टेंशन मत लें। बैठे इधर बैठे। टेंशन तो ऐसा लगता है जैसे दोस्त ही हो गए हमारे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्लीज मामा। अच्छा खानी सुनो, तुम एक काम करो, दफ्तर आने जाने के लिए ना टैक्सी लगवा लो, फिर तुम्हें सड़क क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। मामा गाड़ी का एक्सीडेंट तो वैसे भी। खानी मजाक में भी ऐसी बात नहीं करना बेटा, किस्मत तुम्हारे साथ इतने अजीब अजीब खेल खेल रही है, क्या पता तुम्हारा मजाक सच समझ ले। अच्छा I'm sorry, आइंदा नहीं करूंगी, I promise। अच्छा ठीक है, खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाना और कपड़े रख देना अंदर। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक होगी, उस दिन आपको देखने आया था, आप सो रही थी, जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन फूल छोड़ गया था, आई होप यू लाइक देम, और अब तक खत तो पढ़ ही लिया होगा आपने। I hope you're feeling better. कब से देखा नहीं तुमको, आंखें और दिल दोनों बेकरार भी हैं और तुम्हारी एक झलक के मुंतजिर भी। कौन है ये और क्या चाह रहा है? हर बार नंबर बदल के मैसेज क्यों कर रहे हैं मुझे? कैसी रही आपकी कॉफी पार्टी? इंटरेस्टिंग, वही यूजुअल सस्पेक्ट्स, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ नए लोग मिले एंड दे आर इंटरेस्टिंग टू बी पार्ट ऑफ द फंड रेजिंग। अच्छा है ना, नए मेंबर्स होंगे, फंड रेजिंग होगी। आपकी सोच है, जितने अमीर लोग उतनी ही मुश्किलों से पैसा निकालते हैं। अब आपको हमारी कदर याद आई? Thank you.
कुछ लो ना बेटा। खाली प्लेट्स देखने से पेट नहीं भरता। अगर तुमने खाना नहीं खाना था तो टेबल पे आई क्यों? इतनी मुश्किलों से तो वो अपने कमरे से आया था, थोड़ी स्पेस दे देते हैं। कुछ मत नॉर्मल रहने दीजिएगा। जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही। मीर हादी, हादी बेटा, वी नीड टू टॉक। श्योर मां। About what? About what? जो बात मैं करना चाहता हूँ वो आपको पसंद ही नहीं है। क्या पसंद नहीं है? खानी। अच्छा सुनो बेटा, बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना? आराम से आओ मेरे साथ, आओ। हादी, क्या चाहते हो? खानी, देखो एक चीज याद रखो, ये कोई खेल नहीं है, इसमें नुकसान पहुंच सकता है, बहुत डेंजरस है ये, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के लिए भी। क्या क्या डेंजरस होगा? मैं प्यार करता हूं उससे, शादी करूंगा, बीवी बनाऊंगा अपनी। व्हाट? फीलिंग बेटर, और उम्मीद करता हूं कि कल काम पर जाओगी।
कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो वो सोचता भी नहीं है। ऐसा ही कुछ हो गया है मेरे साथ, तुम आ गई मेरी जिंदगी में। नहीं जानता मैं ये सब क्या हो रहा है, पर ये जानता हूँ कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा भी हो सकता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमको देख के ये सब हो गया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी पेशानी पे उड़ते हुए तुम्हारे बाल, इन सब को बार बार देखना चाहता हूँ। मैं चाहता तो ये सब तुम्हारे सामने आके भी कह सकता था, लेकिन नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा दिल धड़कता है ये सब पढ़ के मेरे लिए। अगर हाँ तो जल्दी तुम्हारे सामने आके भी ये कह दूंगा। बस मैं तुमको अपना बनाना चाहता हूँ। अभी के लिए अगर जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तो देख लो आसमान में पूरे चांद को। बस तुम्हारा वो चांद बनना चाहता हूँ। और हाँ, तुम नेवी ब्लू कलर में बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। रब किस्मत में रोना